बातों बातों ही में रहता है विकास विधायक बना या कोई भी मंत्री बना तो वही अपने अपना ही देखा है सब ने अपना ही सोचा चुनाव के समय में आते हैं वो लोग उसके बाद फिर उनके कभी दर्शन नहीं हुआ व्यवस्था चल रही है भी क्या किया फिर अब रास्ता पास्ता तो यहाँ कुछ बनाया नहीं जो लोहाघाट का सफर है उस सफर में हर पड़ाव आवे हम लोग चलते जा रहे हैं वहां पर जो जनता है उनसे जनसंवाद कर रहे हैं की की ख्वाहिश नेताओं बहुत कुछ होगी लेकिन जनता की ख्वाहिश का है ये जाने की कोशिश हमारी लगातार जारी है रायनगर चौपड़ी में हम लोग मौजूद है सर आपका नाम नीरज राय नीरज जी देखिए विकास की बहुत सारी बातें सरकार करती है लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है जन प्रतिनिधि कितना काम कर रहे हैं बात तो बातों ही में रहता है विकास नीचे धरातल में कोई नहीं है विकास का कोई जरिया नहीं है खाली बातों बातों में है जरिया बस ये है कि चुनाव में नए नए नेता पाँच पाँच साल में चेंज होते रहते हैं और होता कुछ नहीं है पाँच साल बाद महंगाई बढ़ती रहती है फिलहाल कई सालों से जो नेता जी हैं वो यहाँ पर कामकाज करने के दावे कर रहे हैं और कई लोगों से हमने बातचीत की कुछ लोगों ने उनके समर्थन किया है कुछ लोगों ने उनके खिलाफ बोला है तो आपका क्या मानना है नेताजी ने कितना काम किया नेताजी ने सिर्फ अपने अपने ही क्षेत्र का काम किया है अदर कोई क्षेत्र का काम नहीं किया है उसमें यही है कि अपने जो अपने आदमी होते हैं उन्हीं को ठेकेदारी या कोई भी चीजें दिए हैं वो भी आज तक का कोई भी कोई भी विधायक बना या कोई भी मंत्री बना तो वही अपने अपना ही देखा है सब ने अपना अपना ही सोचा है आम जनता का कुछ नहीं सोचा गया है इसमें यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो वो सपोर्ट करते हैं लेकिन नेता जी काम नहीं कर रहे हैं तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल इस बात से हम सहमत हैं कि उन्हीं की लहर पे ही जीत रहे हैं जो चुनावी सत्र चल रहा है उन्हीं के ही उनसे ही जीत रहे हैं वैसे कोई दबदबा नहीं है नेताओं का वो दबदबा है मोदी जी का ही दबदबा है और कोई दबदबा नहीं है पलायन स्वास्थ्य सुविधाएं और सड़कों को लेकर इन मुद्दों पर आपकी राय क्या है सड़क तो ये देख रहे हैं आप टूटी पड़ी है मार्ग है वो टूटा हुआ नजर हमें कई जगहों पर आया है और ऐसे ही जनता की उम्मीदें भी टूटती जा रही हैं सर नाम क्या है आपका मेरा नाम है केशव गिरी सर देखिए अभी जो लोग हैं युवा है वो काफी परेशान है पलायन का मुद्दा वो लोग उठा रहे हैं आपका क्या कहना है की पलायन आखिर क्यूँ इतना हो रहा है लोहा पे वाकई पलायन हुआ है जितने जितनी बातें लोग कह रहे हैं ऐसा है की रोजगार नहीं मिल पा रहा है आशासन तो उनको मिलता है लेकिन उसके तहत उसके अकॉर्डिंगली उनको कोई काम नहीं दिया जाता है क्या आपको लगता है सिर्फ चुनावी साल में ही जो है निकल कर नेता बाहर आते हैं बाकी चार साल वो घर में ही रहते हैं और काम नहीं होता है हाँ बिल्कुल चुनाव के समय में आते हैं वो लोग उसके बाद फिर उनके कभी दर्शन नहीं होते हैं फिलहाल आपके क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको लेकर अभी तक काम नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र में ये रास्ते खराब हैं नालियाँ खराब हैं और कुछ जमीन हमें इधर उधर बह चुकी है ये आपदा में ये ठीक ठाक नहीं हो रही विधायक जी के लिए क्या संदेश है क्या कुछ कहना चाहेंगे कौन सा मुद्दा है जिसको उठाए काम करें उस पर विधायक जी आश्वासन देते हैं लेकिन उसके तहत काम नहीं हो पाता है ठीक है तो आश्वासन बहुत दिया जाता है लेकिन आश्वासन भर से काम नहीं चलेगा और आगे इस क्षेत्र में हम जाते हैं लोगों से बातचीत करते हैं जानने की कोशिश करते हैं कितना विकास यहाँ पर हुआ है और कितने दावे वादे फेल नजर आ रहे हैं तो लोहा घाट के रायनगर चौड़ी का हमारा जो सफर है वो भी आगे बढ़ता जा रहा है 2022 में आखिर तैयारियां नेता बहुत कर रहे हैं लेकिन तैयारियों के बाद परिणाम क्या आने वाला है वो जनता खुद बताएगी उससे पहले उनका रिपोर्ट कार्ड यानी कि नेताओं का रिपोर्ट कार्ड हम जनता की बातों के जरिए उनकी प्रतिक्रिया के जरिए लेने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है सबसे जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उनके क्षेत्र में विकास कितना हुआ है चाहे पलायन का मुद्दा हो पेयजल का मुद्दा हो स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र क्यों ना हो वहाँ पर कितना काम नेताओं के दावों वादों ने किया है हकीकत क्या है अब बाबा नाम क्या है आपका बलदेव राय सर देखिए बहुत सी चीजें हैं जिस पर काम किया जा रहा है नेताओं का ये दावा है और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम हो चुका है आपने बहुत कुछ देखा अपनी जिंदगी में पहाड़ी राज्य है पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर आपको क्या लगता है किन सुविधाओं का अभाव है नेताओं ने क्या कुछ नहीं किया है यहाँ बहुत अच्छा किया है सड़कें दी है गवर्नमेंट ने और पानी के नल दिए हैं सभी सुविधाएं दी है हमने अभी रास्ते में देखा कि यहाँ से यहाँ तक आने वाली सड़क जो है वो सही से नहीं बनी हुई लोगों को आने में दिक्कत हो रही है की रास्ते में काफी जगह हमने देखी कि जो समस्या है, तो समस्या से आप सहमत नहीं है सहमत है सही हो रहा है जो भी हो रहा है रिपेयर हो जाएगी वो तो थोड़ी खराब है रोड जो है यहाँ पर लोगों को लगता है आपको लगता है की सिर्फ थोड़ी खराब है रोड हाँ। रायनगर चौरी नवीन हम बोल नव मैया मै का काज निभाने के लिए तैयार है ठीक है चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं जानने की कोशिश करते हैं सर देखिए अभी ये कहा जा रहा है इनकी तरफ से कि रोड खराब नहीं है हालांकि हमारी टीम ने देखा कि रोड खराब है और कई जगहों पर पानी की जो व्यवस्था है वो नहीं है पलायन का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हर बार कहा जाता है कि इसको हटा दिया जाएगा इस मुद्दे को खत्म कर दिया जाएगा लेकिन आपको लगता है कि अब खत्म हो गया है रोजगार मिल रहा है लोगों को सुविधाएं रोजगार तो कुछ भी नहीं है रोड ये जब से बनी है तब से इसमें दूसरी बार रिपेयरिंग भी नहीं हो पाई है खाली यहाँ नेता लोग आते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा होता कुछ नहीं है मैदान में कुछ नहीं होता प्लान कैसे नहीं करेगी यहाँ जितनी हम लोग खेती कर रहे हैं सारा जानवर आके सब खा जा रहा है उनको बोलो वालों को बोलते हैं तो वो कहते हैं भाई इसको भगा दो हम कहां ये जनता उसको भगाने में रहेगी या क्या करेगी सर एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल की योजना की जो है बात करते हैं उसका प्रमोशन होता है हर घर नल लगेगा जल मिलेगा साफ सुथरा पानी मिलेगा लेकिन यहाँ हमने कई जगहों पर देखा पेयजल की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है आम जनता बहुत परेशान है उस पर आपकी राय क्या है हमारे यहाँ तो पेयजल योजना ऐसा है कि हम खुद ही तीन गांव वाले मिल करके खुद ही तीन पेयजल योजना अपने पैसे से लाए हैं, अपने पैसों से तीन योजना हम खुद ही लाए हैं यहाँ पूरा ही नहीं होता है गवर्नमेंट कहती है हर घर घर में नल है यहाँ कुछ नहीं है नल हल तो वर्तमान विधायक जो है आपको लगता है वो काम कर रहे हैं हर क्षेत्र में पता नहीं हमें तो पता ही नहीं है हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ है रोड्स के अलावा जी रोड्स के अलावा शिक्षा का क्षेत्र है जिसको लेकर यहाँ लोग कह रहे हैं कि वो व्यवस्थाएं नहीं है जो शहरों में होती हैं आप सहमत हैं चिकित्सा शिक्षा तो कुछ है ही नहीं चिकित्सा तो यहाँ कुछ है नही है एक इंजेक्शन लगाने के लिए रेफर किया जाता है हल्द्वानी कुछ नहीं है यहाँ चिकित्सा वगैरह तो देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है की बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए थी पर नहीं है सर आपका नाम मेरा हेमराय सर देखिए हर कोई अपना मुद्दा यहाँ पर रख रहा है और नेताओं की बहुत बड़ी ख्वाहिशें इसलिए अब लगता है कि चुनावी वर्ष नजदीक आते आते वो लोग घर से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं क्या इन चार सालों में वर्तमान विधायक ने आप लोगों से जनसंवाद करने की कोशिश की आपके मुद्दों को जानने की कोशिश की हमारे विधायक जी ने मुद्दे जानते हैं लेकिन जैसे स्वास्थ्य की या, या शिक्षा का है अब देखो सरकार ने जगह जगह दो दो किलोमीटर में कॉलेज खोल दिए लेकिन जो हमारा लोहागाट पॉलिटेक्निक है ये शायद ज़िले में पहला पॉलीटेक्निक होगा या हम पैदा भी नहीं हुए थे या तब तब तब, तब का कॉलेज है स्टाफ देखो अब शिक्षा के नाम पर तो जीरो है ये कॉलेज खोल दिया अपने चुनावी वोट बैंक के लिए अब स्टाफ बढ़ाइए सुविधा दीजिए अब आईटीआई टी आई यहाँ जितने प्राइमरी नहीं है ऐसे आईटीआई खोल दिए कहीं दो बच्चे हैं कहीं तीन बच्चे हैं अरे एक ही होना क्षेत्र में लेकिन कम से कम स्टाफ हो सुविधाएँ हो लोगों को ए... वे... अब स्टाफ ही नहीं है खोल के क्या करोगे अस्पताल अभी में... हमने रास्ते में देखा अस्पताल की भी हालत जर्जर थी जो हालत है वहाँ डॉक्टर्स नहीं है ऐसा लोग कह रहे हैं आप वहाँ जाइए शाम को छः बजे चले जाइए वहाँ आपको शराबियों का अड्डा मिलेगा हमारे लोहा अस्पताल में स्टाफ वाले पता चल रहा पीके टाइट है हैं ना डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको ना बड़ी अस्पताल की तो बड़ी बुरी हालत है शहरों में तो आपको तमाम सुविधाएं मिल जाती होंगी लेकिन जो पहाड़ के रहने वाले लोग हैं उनका दुख कितना बड़ा है और शायद ये दुख सुनने के लिए भी कोई नहीं क्यूँकी चार साल के बाद यहाँ पर नेताजी घर से बाहर निकलते हैं हालांकि अभी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है लोहा में नहीं है कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है पहले महिलाओं से बातचीत करते हैं देखिए महिला जो है पहाड़ में वो आपको व्यस्त ही नजर आएंगी उनके लिए सबसे पहला काम होता है कि पानी का इंतजाम किया जाए उसके बाद घर का जो काम होता है वो होता है लेकिन ये महिलाएं कितनी जागरूक है क्या कुछ जानती है इनसे जानते हैं मैडम नाम आपका अब मैं तो स्थानीय निवासी नहीं हुई अब तो हाँ, मैं यहाँ आने वाली कहा हुई यहाँ के बारे में पता होना चाहिए ना हॉस्पिटल वगैरह में चलिए कुछ महिलाओं को यहाँ पर मौजूद जो है उनको पता है यहाँ के बारे में लेकिन जो स्थानीय निवासी है उनसे जानते हैं और जितनी महिलाएं उनसे जानते हैं दादी नाम क्या है माधवी देवी बेटा हम भी टनकपुर से आए हम हैं हम यहाँ नहीं जानते तो यहाँ कुछ लोग देखिए यहाँ पर टनकपुर से आए हुए हैं हालांकि आप टनकपुर से आए भी है तो आपको सड़कें बिल्कुल दुरुस्त मिली है रास्ते में अब कहाँ सड़क का तो कोई बिहाल हो रखा है क्या करें तो तो बड़ी मुश्किल से आए हैं हम तो यहाँ हाँ हाँ ये बात समस्या पहली रोड की समस्या है रोड सही होनी चाहिए सबसे पहले अलावा जी अच्छा के उसमें जैसे प्राइमरी विद्यालय है प्राइमरी विद्यालय में अच्छा शिक्षण कार्य नहीं हो पाता था इसके वजह से बच्चे हमने मजबूरी में मार्केट में डालने पड़ते हैं उसके लिए महिलाओं के लिए समय नहीं है लाना है पहुंचाना है घर का काम भी देखना है खेती बाड़ी भी देखनी है तो इसीलिए मतलब शिक्षा और रोड सबसे पहला है उसके बाद है पानी शिक्षा रोड और पानी जो है ये व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है यहाँ पर अब आ, एक एक कर कर सब अपने मुद्दे रखना चाहते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है शायद जितना संवाद करने के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं अगर नेता आते तो काम वाकई हो जाता सर नाम क्या है आपका मेरा नाम देवेंद्र कापड़ी है देवेंद्र जी महिलाओं से बात हो रही है लोगों से बात हो रही है हर कोई अपना मुद्दा रख रहा है क्षेत्र में आकर क्या समस्याएं आपको लगता है जो सरकार ने पूरी नहीं की पूरी नहीं है पाँच साल से क्या काम हुआ है आप बताइए आप तो हर जगह घूमते हो यहाँ पे क्या काम हुआ है बताओ कुछ भी नहीं है अभी सड़कों का हालत देखिए मैं टनकपुर से यहाँ अभी लोहा घाट पहुँचा हूँ और वहाँ पे देखिए करीबन लगभग लगभग ये मान के चलो पचास किलोमीटर का एरिया बिल्कुल ध्वस्त पड़ा हुआ है लेकिन कोई बनाने को कुछ तैयारी नहीं है वहाँ पे कोई कुछ करने को तैयारी नहीं है तो ये सब चीज़ें हैं सर लेकिन यहाँ आप बोल रहे हैं बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं हम संतुष्ट हैं विधायक जी जो कर रहे हैं ठीक है तो ये ठीक है वाला एटीट्यूड आखिर क्यों है आखिर नेताओं के लिए बोलने से आप लोग कतरा क्यों रहे हैं देखिए मैडम ऐसा है ना आज मैंने फेसबुक में देखा था हमारे विधायक जी पचपन विधानसभा के जो विधायक बैठे हैं श्री कैलाश गहतोड़ी जी बिस्तर में बैठ के लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं ये बहुत ही मतलब हास्यातपद लगा मेरे को कि मतलब बिस्तर में बैठ के विधायक लोगों की समस्याएं सुन रहा है और उसमें भी तारीफों के पुल बांधे गए हैं मतलब पाँच साल से यही हो रहा है यहाँ पर काम और कोई विकास नहीं हो रहा है बस यही काम हो रहा है वहाँ पर से यहाँ पर आए जी और लोगों के जो और जगहों के जो लोग हैं उनका भी यही कुछ कहना है काफी परेशानियां जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है खासकर सड़कों का क्या हाल है और भी जगहों के जो विधायक हैं वो भी बिस्तर में बैठ के लोगों की समस्याएं सुनने की कोशिश करते हैं युवा मौजूद है नाम क्या है आपका नीरज राय नीरज जी आपको क्या लगता है जनता की क्या समस्या है यहाँ पर है युवा है युवा जोश के साथ बताइए क्या कुछ लगता है सबसे बड़ी तो बेरोजगारी है मैं चार साल से कॉलेज खत्म करके बैठा हुआ हूँ कोई रोजगार नहीं है सरकार एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म देती है पर एग्जाम नहीं कराती है टाइम में पाँच साल में वन विभाग का पेपर करवाया था सात दो हजार तेरह में मैंने उसको भरा था अठारह में पेपर करवाया उन्नीस में उसका रिजल्ट अभी आया है उसमें भी जिस दिन मैंने पेपर दिया था शाम की शिफ्ट में ही एग्जाम का पेपर लीक हो गया तो हम पढ़ के बेरोजगार हैं मैं लेबर ही कर रहा हूँ बताओ पत्थर तोड़ रहा हूँ एम कॉम फर्स्ट डिविजन पास किया है मैंने उसके बाद भी कोई रोजगार नहीं है सब बेरोजगारी बेरोजगारी है लेकिन सरकार तो कहती है हमने रोजगार दे दिया आंकड़े कागजों में दिखाया आपको कहीं दिखता है रोजगार कहीं घर में खाली घूम रहे हैं हम ये देख लो सारे बच्चे गांव में घर में घूम रहे हैं जब बेरोजगारी है इसलिए तो घूम रहे हैं। बात और है ना। जैसे जब होती है, उस समय तो हर नेता घर घर जाता है हालचाल पूछता है कि हमें इतना वोट चाहिए हमें जिताना है ये लो पैसे ये लो पैसे लो यहाँ से पकड़ाते हैं लेकिन उसके बाद जो गांव में सबसे नीचा नीचा आदमी होता है मतलब नीचा कहने का मतलब उस जिसका स्तर गिरा होता है लेकिन वो उस, उस समय उसकी खोज नहीं होती है कि इस आदमी को आगे बढ़ाना है और उसके बाद वो नेता क्यों गायब हो जाते हैं देखिए चुनावी दौरे बहुत किए जाते हैं घर घर घूमा जाता है जब चुनाव का वर्ष आता है ना उससे पहले ना उसके बाद शायद जनता को कोई पूछता नहीं है जी यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो विधायक जो आकर पैर छूते हैं वोट मांगते हैं उनको किसी की याद नहीं रहती कि आखिर कौन सा व्यक्ति कैसे कहाँ जा रहा है उसके रोजगार को लेकर के व्यवस्थाएं की गई है नहीं है और जो पहले महिलाओं से बात करते हैं क्योंकि देखिए महिलाएं आ, हर जगह पहाड़ी राज्य में बोलने को तैयार नहीं होती है लेकिन यहाँ जो महिलाएं हैं वो ये बताना चाहती कि उनको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं आपका नाम क्या है मेरा नाम जया राय है जया जी देखिए महिलाएं जो है वो पहाड़ में एक मजबूती दिखाती हैं कितना काम करती है कि दिन भर काम करने के बाद जो है फिर भी वो थकती नहीं है दूर से पानी लाना अगर कोई दिक्कत हो जाए प्रसव पीड़ा भी हो जाए तो यहाँ से आपको अस्पताल जाने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है तो आपके संघर्ष की कहानी अगर मैं सुनना चाहूँ आप जो बताएं कि आखिर सरकारें दावे तो बहुत करती है लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया तो क्या कहेंगी सबसे पहले तो हमारे लोहा क्षेत्र में पानी की बिल्कुल इतनी किल्लत है कि पानी नहीं है और पीने वाला पानी तो कितनी दूर दूर से लोग ढोके लाते हैं और नल का पानी भी तीसरे दिन आता है वो भी बीस मिनट पच्चीस मिनट वो भी ऐसी ऐसी लाइनों में आता है कि मतलब कहीं तो दिन भर बहता रहता है कहीं आता ही नहीं है पता नहीं कैसी व्यवस्था कर रखी है और अब जिस समय बोटिंग का समय होता है उस समय सब लोग घर घर आते हैं देखते हैं अच्छे खासे अच्छे तरह जानते हैं वो पहचानते हैं लेकिन उस टाइम पे आते हैं फिर आगे पीछे कुछ नहीं अब दो महीने तीन महीने और बचे हैं आजकल से और शुरू हो जाएगा उन लोगों का आना भी बोलना भी उनका व्यवहार भी सब बदल जाता है लेकिन जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है तो अगर आपको लगता है कि इतनी दिक्कतें हैं नेताजी नहीं सुन रहे हैं तो विकल्प के तौर पर आपने किसी को चुना है परिवर्तन हो सकता है इस बार अब अभी तो हम कुछ नहीं अभी तो कोई नहीं है एक जने के हम तो नो टाइम करेंगे करके सोच रखा है और तो कुछ नहीं है सभी सरकारों से जनता इतनी तरस यहाँ पर हो चुकी है कि उनका कहना है कि अब और कुछ नहीं बस नोटा का ऑप्शन बचा है तो नेताजी भी सुन ले कि यहां पर जनता इस बार क्या कुछ परिणाम देने वाली है और कुछ लोग भी मौजूद हैं हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते कि क्या यहाँ पर जो हालात है और कैसे जो है स्थिति बनी हुई है आपका नाम मेरा नाम माया कापड़ी है आप कहा से आए यहाँ पर मैं टनकपुर से आई हूँ देखिए आप रास्ते से आई हैं इसीलिए मैंने सबसे यही सुना कि सड़कें बहुत खराब है तो उसको लेकर क्या कह अब उसके लेके ये है कि जो हमारी सरकार है वो मतलब नजर नज़रअंदाज कर रही है ये है कि उनको सही करना चाहिए उस चीज़ को रोड को और मेन मुद्दा यहाँ मेन मुद्दा यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं ये कहूँगी लोग यहाँ बी करके दो से सात से लटके पड़े हैं उनके लिए सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है और ये दे है, दे है कि और डी एल निकाल दे रही है अब मेन उनका सोचो ना जो 2006 से लटके पड़े हैं पाँच से लटके पड़े हैं वो कहाँ जाएंगे बताओ ओवर एज होने वाली है उनकी उनके लिए मेन सरकार क्या उठा रही है कदम ये मैं पूछना चाहती हूँ मेन मुद्दा ये है कि बेरोज़गारी हटाओ और पहले भर्तियाँ देखो पुलिस की भर्तियाँ देखो आपकी आर्मी की भर्तियाँ देखो हर छः छः महीने एक एक साल में होती थी जो बेरोज़गार है बेरोजगारी कम थी मगर अब देखो ना आप, आप खुद ही देख लीजिए इनके मुँह से सुन लीजिए बिल्कुल जो जनता बताती है वो सही भी होता है क्योंकि वो जो संघर्ष कर रही होती है वो शायद नेता कभी जान नहीं पाएंगे जनसंवाद जो चार सालों में किया जाता है अगर वही जनसंवाद पूरे टाइम किया जाए लोगों से बातचीत की जाए सिर्फ चुनावी मोड में आकर ना किया जाए तो शायद कोई सुधार होगा कहीं ना कहीं आज जो लोग मेरे साथ मौजूद है सब में रोष है आक्रोश है और लोग कहना चाहते हैं कि भाई उनके नेताजी आखिर उनके लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं बिस्तर में रहकर या चुनावी वर्ष में आकर ये कहना कि हमने इतना काम किया है रिपोर्ट कार्ड पेश कर देना कागजों में शायद वो बिल्कुल सही नहीं है और अब अगर ग्राउंड पर उतर रहे हैं तो वही चार साल पहले चार साल के दौरान क्यों नहीं किया जाता जब वाकई जनता एक्सपेक्ट करती है उम्मीद करती है उनसे कि उनकी जनता के लिए काम किया जाए नेताजी आए और उनसे बातचीत करें उनके मुद्दों को जाने आगे बारा सफर यू ही जारी रहेगा प्रतिपक्ष संवाद आपको दिखाता रहेगा कि आखिर क्या कुछ मुद्दे जनता के हैं और क्या नेताजी उन पर काम कर रहे हैं या फिर नहीं